Hi guys and welcome back to my channel. और इस वीडियो में मैं आपके साथ आज फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों आपको याद ही होगा पिछली वीडियो में कि मैंने आपके साथ माइनक्राफ्ट खेली थी, जिसके अंदर मैंने नया सर्वाइवल मोड स्टार्ट किया था और मैं एक नए से आइलैंड पे आया था, लेकिन मैंने वो वर्ल्ड डिलीट कर दिया फिर, क्योंकि उसमें मेरे को कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी और घूम भी गया था मैं एक बार। और मैंने नया वर्ल्ड स्टार्ट किया और मेरे को उसमें बहुत ही अच्छी लोकेशन मिली है। तो दोस्तों मैं आपको पहले अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। और उसके अंदर मैंने एक बेड बना लिया था अपना, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया, मैंने अपना बेड बना लिया है। और एक क्राफ्टिंग टेबल तो थी यहाँ, पता नहीं कहाँ गई। और मैं अपना आपको रात के लिए ज़्यादा डॉट से कवर कर दिया था अपने एरिया को। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब बनाने वाला हूँ अपना नया घर। तो चलिए आज हम काम स्टार्ट कर देते हैं। आज पूरा तो नहीं बन पाएगा वैसे, आज तो पानी में स्पाइडर है, वहाँ क्रीपर भी है, तो मेरे को थोड़ा डेंजरस लग रहा है वहाँ जाना। मेरे को उस घर में पहाड़ में ही मान लो वैसे मेरे को अपना घर। तो ऐसा करता हूँ, पहले मैं बहुत सी वुड काट लेता हूँ, वुड होगी ना जिससे मैं वेपन्स भी बना पाऊँगा और पिकैक्स बनाऊँगा, पिकैक्स से मैं स्टोन भी तोड़ सकता हूँ फिर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत सारे कोल भी कलेक्ट कर लूँगा, जिससे मैं टॉर्चेस बनाऊँगा और फिर माइनिंग करने जाऊँगा। टॉर्चेस का ये फ़ायदा होता है माइनिंग करने में, और एक एग मिल गया मेरे को, चलो इसे ले लेता हूँ। और टॉर्चेस का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कभी भी माइन में घूम जाते हैं तो फिर हम टॉर्च से लाइट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कभी बार कि ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी यहाँ टॉर्च लगा देते हैं, अभी मैं यहाँ से आता हूँ भूल ना जाऊँ उससे टॉर्च लगा देता हूँ, ऐसे भी बहुत बार होता है। तो ये भी इसका भी यूज़ होता है, टॉर्चेस का भी बहुत। और एकदम तो क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, मैंने अपनी कहीं बनाई थी पर मेरे को अभी मिल नहीं रही है वो। एकदम क्राफ्टिंग टेबल के लिए भी बहुत सी वुड चाहिए, और इन वुडन प्लैंक्स से मैं ओक वुड प्लैंक्स भी बना लूँगा। और ये वाइट वाले ट्रीज़ भी तो है वैसे यहाँ पे, चलो एक ले ही लेता हूँ, क्या हर्ज है इसमें। चलो थोड़ा टाइम लेगी ये, कोई बात नहीं, कभी बाहर इतना लेती है ये टाइम। अभी हमारे पास इतने अच्छे वेपन्स भी नहीं है, या फिर हमारे पास कोई एक्स भी नहीं है जिससे ये बहुत आसान से जल्दी टूट सके। लेकिन थोड़ी देर में मैं अभी बना लूँगा, और उसके लिए मेरे को क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए होगी जो कि मैं अभी बनाऊँगा, जो मैंने अभी वुड कलेक्ट किया उससे। और एक यहाँ पे भी है थोड़ी सी वुड, मेरे को बस ये डर है कहीं कोई आया ना जाए, क्रीपर और ख़ासकर स्केल्टन। स्केल्टन तो बहुत ही आसान से मार देता हमें, वो रात के वक्त ही आते ज़्यादातर, दिन के वक्त इतनी डरने की बात नहीं होती, पर फिर भी वो दिन में पानी में या फिर किसी केव में छिप जाते हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो फिर वो जल जाते हैं दिन की रोशनी में। और थोड़े बहुत सीड्स भी मेरे को मिल जाते हैं इनमें, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। छोड़ो अभी मेरे को फार्मिंग नहीं करनी, अभी सबसे पहले तो मेरे को मैं घर ही बनाना है, मैं अभी यही है मेन टारगेट। तो चलो वैसे मेरे को दो सीड्स तो मिल ही गए हैं। और सबसे पहले तो मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एक अपने घर में जाके। हाँ कहाँ गया मेरे घर, हाँ वो रही वो शीप, तो और मेरा घर उसी के पास है ये रहा। वैसे अभी इसे घर नहीं कह सकते, इसे टेम्प्रेरी हाउस कह लो अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। यहाँ डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और उसे यहाँ लगा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इन वुडन प्लैंक से बना लेता हूँ अपना एक वो घर। और यहाँ पहले मैं कलेक्ट करता हूँ चार, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक क्राफ्टिंग टेबल मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब देखता हूँ इसमें मैं अपने क्या क्या बना सकता हूँ। ये तीन स्ट्रिंग ये कहाँ से मिलती है आखिर, ये बार सर्च करता हूँ बनती है या फिर हमें नेचर से ही मिलती है। अगर बनती होगी तो सही है, बना लूँगा मैं कॉबवेब, पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं पहले अपनी पिकैक्स बना लेता हूँ। पिकैक्स ये रे वुडन पिकैक्स, तो इसलिए मेरे को चाहिए होंगे तीन वुडन प्लैंक्स और दो स्टिक्स। ऐड कर दो, मैं पहले स्टिक्स भी बना लेता हूँ एक, तो स्टिक्स कहाँ गई, हाँ ये रही स्टिक, इसलिए अच्छा वुडन प्लैंक ओक वुडन प्लैंक चाहिए होंगे, मैं वो बना लेता हूँ, थोड़े और बना लेता हूँ। अब मैं स्टिक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे चार स्टिक्स बना लिया मैंने। अब मैं ऐसे करता हूँ, चलो अब मैं अपना पहले बना लेता हूँ यहाँ पिकैक्स। चलो मेरे पास यहाँ एक पिकैक्स आ गई है,
और ना दोपहर तक उन्हें को आ गई है, तो उनको अपने सारा काम अभी जल्दी करना होगा। फिलहाल अभी मेरे पास पिकैक्स है, उस डरने वरने की बात तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान से ही रहना चाहिए मेरे को कि अब तक अब कौन आके मार जाए। सबसे पहले तो मैं कोल कलेक्ट कर लेता हूँ वहाँ पे जाके। मैंने देखा था कहीं पे कोल, वो वहाँ पे टॉर्च लगी हुई है पहले से ही। मैं वहाँ से टॉर्च कलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। पता नहीं इसने लगा दी वहाँ टॉर्च, हो सकता है मैंने ही लगा दी हो, भूल गया हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ से फटाफट से जितना कोल हो सकता है इतना कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो बहुत ही डीप लग रहा माइन। चलो एक कोल मेरे को यहाँ, एक और कोल है यहाँ, यहाँ ढेर सारा कोल लग रहा है मेरे को। यहाँ फिर थोड़ा बहुत स्टोन भी है, वो भी मैं कलेक्ट कर लूँगा। पता नहीं मेरे को यहाँ से आयरन मिल सकता है या नहीं, पर आई होप मिल ही जाएगा। यहाँ पे भी एक कोल, यहाँ पे जितना कोल हो सकता है मैं इतना कलेक्ट कर लेता हूँ। आयरन तो यहाँ बहुत सारा है, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं, यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ कि आयरन जो है हमें पिकैक्स से मिल सकता है या नहीं। वो यहाँ पे तो नीचे पानी है, लेकिन आज तो बहुत सारा कोल मिल चुका है वैसे। हाँ वैसे मैं अभी यहाँ चला जाता हूँ, और मैं नीचे गिर गया तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना, इसलिए मैं आराम से यहाँ से चला जाता हूँ अभी। वैसे मेरे को एक ऐसी पिकैक्स चाहिए होगी जो कि कभी ख़त्म ना हो। ऐसे में कोई बनानी तो नहीं आती, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। और मैंने यहाँ पे जो माइन देखी थी जिसके अंदर पहले से टॉर्चेस लगी हुई थी बहुत सारी, वो ढूंढनी होगी मेरे को। उसके अंदर पहले से बहुत टॉर्चेस थी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा बहुत। वैसे रात में डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर रात होएगी तो मैं फटाफट से अपने बेड पर चार सो जाऊँगा और जल्द से सुबह भी हो जाएगी। कहाँ पे थी आखिर टॉर्च? हाँ शायद यहाँ पे थी। हाँ टॉर्च तो ये रही, लगता तो है यहाँ पे बहुत सारी टॉर्चेस होगी। चलो यहाँ पे उनको कोल भी काफ़ी मिल गया और टॉर्चेस भी। चलो एक बार देखता हूँ और क्या क्या यहाँ पे। यहाँ पे जल्द से रात होने वाली है तो मैं यहाँ पे जल जाता हूँ अपने घर में। और यहाँ वो ये इतनी सारी टॉर्चेस कहाँ से आ गई? अच्छा मेरे को याद आया, एक बार मैंने अपना क्रिएटिव बनाया था तो जब था, ऐसा करता हूँ मैं ये टॉर्चेस जो है मेरे पास अभी 64 फेंक देता हूँ और इस पर वुडन प्लैंक लगाता हूँ। और ये क्या हुआ, मैं स्पीड स्लो कैसे हो गई ये चांस इतनी? जल्दी घुस जाता हूँ मैं अपने घर में, वरना मैं मर जाऊंगा। पता नहीं यहाँ पे कैसे होगा, मैं स्पीड स्लो एकदम से। वो यहाँ पे मानिए वुडन प्लैंक रख दिया जल्दी से, इसमें कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और चलो मैं यहाँ पर अभी तो सेफ हूँ, मैं ऐसा करता हूँ फटाफट से सो जाता हूँ। चलो अब अगले डे का वेट करते हैं जल्दी से, हाँ अगला डे हो जाएगा। हाँ यही फ़ायदा होता है बेड का कि अगर हम सो जाते हैं तो जल्दी से उठ जाते हैं हम। ऐसे जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब उठे, कब सोए, कितनी देर हो गई, हमें पता ही नहीं लगता। ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा ही है। तो चल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर नए नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो चलो दोस्तों गुड बाय।